देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5,84,000 है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेजेस 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा बंद करने का फैसला लिया गया है। डबल डोज वाले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी क्लियर किया गया है। इसमें महाराष्ट्र में बिना इमरजेंसी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वहीं बिहार की बात करेंगे कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने का फैसला संभव है। बड़ी खबर ये है कि पटना हाईकोर्ट लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकता है। हाईकोर्ट में लॉकडाउन को लेकर आज नीतीश सरकार को जवाब देना है। सोमवार को पटना को कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। ये कहा था कि ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी और आज फैसला बड़ा लिया जा सकता है। बिहार को लेकर बदलते हुए कोरोना केसेस के बीच में पूर्ण लॉकडाउन पर आज मुमकिन है कोई फैसला आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।